हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन सोल्जर। और आज फिर से मैं हम लोग डीएफ एनर्जी और डीएम एनर्जी पर ही बात करेंगे, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि हम नेक्स्ट वीडियो में डीएफ एनर्जी और डीएम एनर्जी पर बात करेंगे। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि सेपरेशन पीरियड में जब डीएफ अपने आप पर वर्क करती है तो डीएम के अंदर की एनर्जी कैसे एक्टिव हो जाती है, वो किस तरह से अपने आप एक्टिवेट होने लग जाती है उसके अंदर की एनर्जी। तो हम इस तरह से स्टार्ट होते हैं, डीएफ एनर्जी और डीएम एनर्जी से स्टार्ट होते हैं। देखिए दोस्तों, जो डीएम एनर्जी है वो हमारे दाहिनी ओर होती है, दाएं ओर होती है, राइट साइड पे होती है, और जो डीएफ एनर्जी होती है वो हमारे लेफ्ट साइड होती है। ईड़ा या जो पिंगला नाड़ी है वो हमारे राइट साइड पे, और जो ईड़ा नाड़ी है वो हमारे लेफ्ट साइड पे होती है। अब आप अपने हाथों को देखिए, दोनों हाथों को, जो आपका राइट हैंड है, मान लीजिए जो आपका राइट हैंड है वो है डीएम एनर्जी, और जो आपका लेफ्ट हैंड है वो है डीएफ एनर्जी। अब इन दोनों हाथों को आप उंगलियों को खोलकर एक दूसरे के बीच में ऐसे जोड़िए, तो ये एक ग्रिप की तरह इसको बनाइए, इन दोनों हाथों के जैसे ग्रिप बनता है ना, दोनों हाथों को आपस में जोड़कर, तो आप देखेंगे कि जब आप देखेंगे कि जब एक ग्रिप बन रहा है तो ये जो क्रॉस बन रहे हैं दोनों उंगलियों के बीच में, इसी तरह ये डीएम एनर्जी और डीएफ एनर्जी जब फर्स्ट टाइम यूनाइट होते हैं, इसी तरह इन दोनों की एनर्जीज एक दूसरे से लिपटती हुई ऊपर क्राउन चक्र की तरफ बढ़ती हैं। तो अब इससे ठीक उसी तरह जिस तरह से आप अपनी फिंगर्स को देख रहे हो इस टाइम, कि दोनों का ग्रिप बना हुआ है और दोनों क्रॉस एक दूसरे से ऐसा लग रही है कि एक तरफ से निकल रही है एनर्जी, दूसरी तरफ जा रही है, दूसरी तरफ से निकल रही है, तो ऊपर की तरफ ऐसे क्रॉस करते हुए बढ़ती जा रही है ऊपर की तरफ। तो अब देखिए, जो आपकी सबसे छोटे वाली फिंगर है वो है रूट चक्रा, उसको समझिए, और जो आपके थंब है वो है थ्रोट चक्रा। मैंने आपको बोला था कि जब जिस फर्स्ट टाइम आपस में यूनाइट होते हैं तो जो इनकी जो एनर्जीज हैं वो रूट चक्रा से होती हुई इनके क्राउन सारे चक्रास के बीचों बीच में होती हुई इनके क्राउन चक्रा तक जाती है। तो देखिए, आप अपनी उंगली को जो ग्रिप बनाया है उसको देखिए, आप जो आपका सबसे छोटे वाली फिंगर है वो रूट चक्रा, और जो थंब है वो है थ्रोट चक्रा, और इसी तरह से जैसे आप ग्रिप देख रहे हो इसी तरह ये रूट चक्रा से होती हुई थ्रोट चक्रा के बीच में से निकलती हुई ये क्राउन चक्रा तक जाती है। जब इनको ये रियलाइज हो जाता है, ये एक्टिव हो जाती हैं सोल्स अपने एक दूसरे के प्रति कि हम दोनों एक ही हैं, हम दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं, हम दोनों एक दूसरे का ही हिस्सा हैं। लेकिन ये दोनों अभी 3D वर्ल्ड के साथ जुड़े हुए हैं तो इनको ये एहसास नहीं होता, लेकिन इनकी सोल एक्टिव हो जाती है। जो अब इनका जो पेन चल रही है, जो इनकी सोच है वो 3D वर्ल्ड के साथ जुड़ी हुई है, ये उसी तरीके से सोच रहे हैं, उसी तरीके से ही अपने आप को समझ रहे हैं। तो अब इनका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अब इनका सेपरेट, ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। अब सेपरेशन पीरियड में जो DF है वो किस तरह से वर्क करती है वो अब हम समझेंगे। जो DF है, अभी मैंने आपको पहले क्या बोला कि जो डीएम का जो हाफ, जो डीएम के अंदर की डीएम एनर्जी है वो फुल एक्टिव होती है, इसी तरह डीएफ के अंदर जो डीएफ एनर्जी है वो फुल एक्टिव होती है। लेकिन अब सेपरेशन पीरियड में ये बहुत लो एनर्जी में चली जाती है, बिल्कुल अपने आप को डाउन कर लेती है, क्योंकि ये अपनी ये जो जिस चीज़ को ये पेन समझ रही है या जिस चीज़ को ये इतना नेगेटिव ले रही है, एक्चुअली वो पेन कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो 3D वर्ल्ड के साथ जुड़ी हुई है, इसको इसलिए उसको लग रहा है। लेकिन ये उसकी बॉडी के चेंजेस हैं, इसकी सोल के चेंजेस हैं, क्योंकि ये सोल अब ग्रो होने की तरफ चल पड़ी है, इसलिए ये चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन ये 3D वर्ड की नज़रिए से ही देख रही है तो इसको ये पेन लग रही है कि ये पेन हो रही है, लेकिन इसकी जो सोल है वो ग्रो होने की तरफ बढ़ रही है, तब इसकी बॉडी में ये चेंजेस आ रहे हैं, तब ये ऐसा होता है। तब अब आगे क्या होता है, जब ये DF एनर्जी फुल एक्टिव फिर से ये अपने आप को एक्टिव करती है, फिर से अपनी DF एनर्जी को ये फुल एक्टिव करती है, और जब ये फुल एक्टिव हो जाती है, जब ये फुल पावर में आ जाती है इसकी DF एनर्जी, फिर ये अपने आप को बैलेंस करने के लिए अपनी DM एनर्जी को एक्टिव करती है, फिर उसको बैलेंस करने के लिए ये फुल उस पर वर्क करती है, अपना इनर वर्क करती है, और ये एकदम से अपने आप को एक्टिव करती है। और ये जब ये दोनों एनर्जी इसकी बैलेंस होकर फुल एक्टिवेट होती हैं, एक्टिव हो जाती हैं, फुल पावर में आ जाती हैं, तब ये दोनों एनर्जीज आपस में इसी तरह से ग्रिप बनाती हैं, और रूट चक्रा से होती हुई ये इसकी एनर्जी, DF की एनर्जी रूट चक्रा से होती हुई इसी तरह इसके क्राउन चक्रा तक जाती है। जब ये इसके अंदर की दोनों एनर्जीज DM एनर्जी और DF एनर्जी को ये अच्छे से समझ लेती है, उसको बैलेंस कर लेती है इनर वर्क करके, तब ये दोनों एनर्जीज क्या करती हैं, आपस
में ग्रिप बनाती हैं और दोनों ही एनर्जीज ग्रिप बनाती हुई इसकी रूट चक्र से होती हुई सारे चक्रास के बीचों बीच से निकलती हुई ये क्राउन चक्र तक पहुंचती है, तो जिसको बोल देते हैं कि इसकी कुंडलिनी जागृत हो गई। ठीक है, अब जब ये इसके क्राउन चक्र तक ये एनर्जी पहुंचती है तो ये क्या होता है, स्पिरिचुअल ग्रो हो जाती है, फुल अवेकन हो जाती है अपने प्रति, अपने जर्नी के प्रति और अपने सोल मिशन के प्रति। ये बिल्कुल टोटली अपने यूनिवर्स के साथ जुड़ जाती है, अपने परमात्मा के साथ जुड़ जाती है। इसको सारी समझ आ जाती है कि ये कौन है, ये एनर्जी है, ये एक सोल है, ये किस लिए इस धरती पे आई है और ये अपने गॉड के साथ कौन से प्रोमिसेस करके आई है और इसका सोल मिशन क्या है, इसीलिए ये अपना सोल मिशन करना शुरू कर देती है। तो अब चलते हैं डीएम की तरफ। अब देखिए, डीएफ ने अपने आप पर इनर वर्क किया, वो 100% ग्रो हो गई। ठीक है, उसने अपने आप को डेवलप कर लिया, स्पिरिचुअली ग्रो कर लिया उसने। अब जब उसकी जो डीएफ एनर्जी है, डीएफ के अंदर की जो डीएफ एनर्जी है वो ग्रो हो चुकी है, उसने अपने अंदर की डीएफ एनर्जी को बिल्कुल एक्टिव कर लिया है, लेकिन इसी डीएफ एनर्जी का जो हाफ हिस्सा है वो डीएम के अंदर भी है। तो जब ये 100% अपने आप को ग्रो कर लेती है तो जो डीएम के अंदर की इसकी डीएफ एनर्जी है वो भी ग्रो हो जाती है, वो भी बढ़ जाती है, वो भी एक्टिव हो जाती है। और जब डीएम के अंदर उसकी डीएफ एनर्जी एक्टिव हो जाती है तब क्या होता है, डीएम में चेंजेस आने शुरू होते हैं। जो डीएम है उसको वो रियलाइज होना शुरू हो जाता है, उसको पता, उसको वैसे समझ नहीं आती क्योंकि वो अभी 3D वर्ल्ड के साथ ही जुड़ा हुआ है, वो हर चीज़ को उसी के नज़रिए से ही देख रहा है। लेकिन उस क्योंकि डीएफ की एनर्जी जो उसके अंदर, डीएम के अंदर जो डीएफ एनर्जी है वो एक्टिव हो चुकी है, तो उसको अपनी लाइफ में चेंजेस नज़र आने लग जाते हैं। लेकिन वो उसको अभी समझ नहीं है तो वो ये सोचने लग जाता है कि उसकी लाइफ में हो क्या रहा है, ये होने क्या लग गया है उसके साथ। तो ये जो चेंजेस हैं वो डीएफ की एनर्जी, जो डीएफ एनर्जी है क्योंकि वो एक्टिव हो चुकी है, ये चेंजेस इसलिए आ रहे हैं। लेकिन डीएम को इसके बारे में एक तिनके तक का नहीं पता होता कि ये हो क्या रहा है उसके साथ। अब जो डीएम है, डीएम के अंदर जो डीएम एनर्जी है वो तो पहले से ही एक्टिव होती है, लेकिन अभी उसने उस तरफ ध्यान नहीं दिया होता क्योंकि वो अपने कर्मास में लगा हुआ है, 3D वर्ल्ड के साथ जुड़कर ही सब कुछ सोच रहा होता है। लेकिन जैसे ही ये जो एनर्जी उसके अंदर ग्रो, डीएफ एनर्जी उसके अंदर फुल एक्टिव हो जाती है, तब ये जो एनर्जी है, डीएफ एनर्जी एक्टिव हो जाती है, तो डीएम एनर्जी उसके अंदर पहले से ही एक्टिवेट हो जाती है, तो ये भी समझना शुरू इसको होने लग जाता है और ये भी रियलाइज इसको होने लग जाता है कि इसको भी वो सारी चीज़ें जो एक डीएफ के साथ होनी शुरू होती हैं वही डीएम एनर्जी के साथ भी वो सिचुएशन और वो चीज़ें वो सब फेस करने लग जाता है, वो भी स्पिरिचुअली ग्रो होना शुरू हो जाता है, वो भी फिर अपनी देखिए डीएफ एनर्जी तो पहले से उसके अंदर एक्टिव हो चुकी है ना, डीएफ ने कर दिया, अब डीएम की जो एनर्जी थी वो भी फुल एक्टिव होती है, लेकिन अब उसने अपने डीएम एनर्जी में से जो उसकी फालतू की चीजें हैं, जो नेगेटिव चीजें हैं ना, उसको क्लीन करना होता है, तो वो अब उसको भी रियलाइज होने लगता है, तो वो उस चीजों से भी, अपनी मिथ्या चीजों से निकलना शुरू हो जाता है। तो वो जैसे उसको होता है कि मैं लड़का हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं बहुत सारी गर्लफ्रेंड रख सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, वो इन चीज़ों को समझना शुरू कर देता है कि ये तो बेकार की चीज़ें हैं, ये तो मैं हूँ ही नहीं, मैं तो सोल हूँ, मैं तो एनर्जी हूँ, ये भी स्पिरिचुअली ग्रो करना शुरू कर देता है इन चीज़ों को क्लीन करके। फिर क्या होता है, जो डीएफ एनर्जी है वो भी एक्टिव ही होती है क्योंकि वो डीएफ ने एक्टिव कर दी है और डीएम भी एक्टिव ही होता है, लेकिन उसकी जो अंदर के इनर वर्क करने से वो अपना जो क्लीन करता है अपने आप को, तो वो भी अपने आप को क्लीन करके जब दोनों एनर्जीज डीएम की एक्टिव फुल तरीके से दोनों एक लेवल पे आ जाती हैं, एक ही लेवल पे आ जाती हैं और दोनों फुल एक्टिव हो जाती हैं, तब इसकी भी उसी तरह कुंडली जागृत होती है और उसी तरह इसके रूट चक्रा से होती हुई सारे चक्राओं के बीचों बीच में निकलती हुई क्राउन चक्रा तक जाती है और फिर वो भी पूरी फुल स्पिरिचुअल ग्रो हो जाता है। उसको भी पता चल जाता है कि वो मेरा काउंटर पार्ट है, उसकी बिल्कुल टोटली सोच जो होती है अपनी डीएफ के प्रति चेंज हो जाती है, उसको भी पता चल जाता है कि मैं किस लिए आया हूँ, ये मेरा काउंटर पार्ट है, ये मेरी ही सोल का हिस्सा है। तो इस तरह से ये डीएम अपनी एनर्जी पे वर्क करता है और डीएफ अपनी एनर्जी पे वर्क करती है। डीएफ तो बल्कि ज्यादा वर्क करती है, वो अपने आप पर तो वर्क करती है, वो डीएम के अंदर की एनर्जी को भी एक्टिव करने में उसकी हेल्प करती है। इसीलिए बोला जाता है कि जो डीएम है वो इस जर्नी की ड्राइवर है, वो इस अपने आप पर वर्क करके चाहे तो इस जर्नी को आगे ले जाए, चाहे उसी चीज़ में स्ट्रक होकर रह जाए, वो कुछ भी कर सकती है। इसीलिए बोला जाता है कि आप डीएफ एनर्जी आप अपने आप पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, अपने आप पर फोकस कीजिए, अपने आप पर इनर वर्क कीजिए, अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए।
तो इस तरह से डीएफ एनर्जी अपने आप पर वर्क करती हुई डीएम में भी चेंजेस लाती हैं, और जो डीएम है वो उसके अंदर डीएफ एनर्जी कैसे एक्टिव होती है और डीएम अपने आप पर फिर कैसे वर्क करता है, कैसे ये दोनों स्पिरिचुअल ग्रो होते हैं, फिर कैसे ये दोनों रीयूनाइट होते हैं, ठीक है। ये है स्पिरिचुअल जर्नी ट्विन फ्लेम सोल्स की। आई होप जो मैं कहना चाहती हूँ वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं चाहती हूँ कि आप इस जर्नी को अच्छे से समझें, इस जर्नी की गहराई को समझें, जो जो कुछ डाउट चल रहे हैं वो आपके क्लियर हों, आपको पता हो कि एक्चुअल में ये ट्विन फ्लेम जर्नी है क्या। तो इसलिए मैं चीज़ों के इतने गहराई से समझने की गहराई तक जाने की कोशिश करती हूँ कि आपको पता हो, इस जर्नी की गहराई को पता करें आप कि ये है क्या, ठीक है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए, और मेरे वीडियो को लाइक करने के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पॉजिटिव सोचिए, और इस जर्नी के बारे में भी पॉजिटिव सोचिए, ठीक है। ओके जी, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।